सत श्री अकाल, मैं जसविंदर पाल चैनल शान पंजाबी तुहाड़ा स्वागत है। तो गल करदे उड़दा पंजाब जी। जदों भी उड़दा पंजाब का नाम आता है तो पंजाब ते एक कलंक लग्या साफ नज़र आता है, क्योंकि नौजवानों नूं निकल रहा जहर, वो जहर है नशा। पर बटाला पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तीन नौजवानों नूं हिरासत लैण दा दावा किया। उन्हां दा दावा है कि इन्हां नौजवानों तो पुलिस ने नशा समगरी बरामद की है। तो नशा समगरी बरामद करने तो अलावा उन्हां दा कुछ होर भी काम है, परंतु नशे का कारोबार वो पिछले 6 महीनों तो कर रहे दावा बटाला पुलिस का। तुसीं आप ही सुन लो बटाला पुलिस का यह दावा किन्ना कु ताकतवर लगता है कि सचमुच ही जिहड़े फड़े गए नौजवान ने वो नशा तस्कर ने, जां फिर अपने हाशिए वधाउण लई इह जिहड़ी तस्वीर पेश की जा रही है ये अपने आप की कह रही है। ये पुलिस ही दस सकती है, तो पुलिस के अफसर की अपनी जवानी की है कि नशा तस्कर किवें काबू किए हैं। ये जी मानयोग मैम SSP बटाला जी के दिशा निर्देशों तहत SPD साहब की सुपरविजन हेठ तो DSP फतेहगढ़ जी DSP साहब की जेरे निगरानी साड़ी पुलिस पार्टी जी अगस्त के दौरान बस स्टैंड जा रही थी। जो उजी तो सानू सलाह मिली तो उन्होंने बंद शक की बिना तो चैक करते उन्होंने पासों जी 500 ग्राम जी फीम बरामद हुई है, जिस के उत्ते मुकदमा नंबर 30/12/23 अंडर सैक्शन 18/61/85 तहत जी कार्रवाई चल रही है। जोड़े दोषी है गए संदीप कुमार तो सुखमन अनमोल जोड़े है, इन्हों मौके उत्ते जो तिना गिरफ़्तार किया गया है। अगे फरदर जितों लैके आए अगर इन्वेस्टिगेशन अज रिमांड लिया जाएगा, रिमांड लैके जितों अगर लैके आते हैं उन्होंने तक जो पहुँचा जाएगा। उन्हां बारे भी जो फरदर जो फारवर्ड बैकवर्ड जो लिंक है उन्हां तक रिमांड लैके वो जी तफ्तीश की जा रही है। पहला भी इन्हों का इस काम के इन्वॉल्व सी, इन्हों ने पूछगिछ के दौरान दस्सिया कि करीब असी कोई 5-6 महीनों तो ये धंधे के पे ने।